नमस्कार किसान भाई और मेरे पशुपालन को स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त विकास। दोस्तों पशुपालन में हमें जो है अपने बाड़े वगैरह का साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर हम साफ सफाई का ध्यान न रखें तो इससे जो है हमारे पशुओं को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें दोस्तों एक जू चिचड़ किलनी लग जाना एक आम बात है दोस्तों। और ऐसे में दोस्तों हमारे पशुओं को बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं और कई बार दोस्तों हमारे जो दुधारू पशु हैं उनके दूध उत्पादन में भी कमी देखा गया है। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे उपाय बता रहा हूँ जिससे जो है आप अपने पशुओं को जू चिचड़ किलनी वगैरह से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस उपाय के बारे में। इस उपाय को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें जो है नारियल का तेल चाहिए दोस्तों, लगभग 250 ml नारियल का तेल चाहिए। नारियल के तेल में दोस्तों बहुत सारे एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होते हैं जिससे जू चिचड़ किलनी को मारने का काम करता है, और साथ में दोस्तों इसको लगाने से पशुओं के पास जो है मक्खी मच्छर वगैरह भी पास नहीं आते। तो ये जो नारियल का तेल हमें प्योर इस्तेमाल करना है दोस्तों, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं जो है ये इस ब्रांड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई भी सब ब्रांड का प्योर नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे जो है 250 ml एक बर्तन में ले लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, साथ ही ऑल को दबाएं ताकि सभी जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और उसके बाद दोस्तों इसमें हमें मिलाना है लगभग 20 ग्राम सेंधा नमक। सेंधा नमक में दोस्तों इस तरीके की खासियतें होती हैं कि ये जो है किलनी वगैरह को मारने का काम करता है, जू चिचड़ वगैरह को मारने का काम करता है, इसलिए जो है इसका भी इस्तेमाल करना है दोस्तों हमें। और इसे जो है हमें बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है ताकि जो है ये तेल में आसानी से घुल सके। अब ये तैयार हो गया दोस्तों, इसे अब हम मिश्रण में डाल देते हैं। और इसे जो है दोस्तों 20 ग्राम हमने लिया है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर जैसा बन गया है। तो चलिए दोस्तों अब इसे हम डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें हमें डालना है लगभग 25 ग्राम हल्दी। हल्दी यहाँ पर दोस्तों हमें डालनी है 25 ग्राम, तो मैं यहाँ पर 4 चम्मच डाल रहा हूँ जो लगभग 25 ग्राम के आसपास हो जाएगी। हल्दी के बारे में दोस्तों आप तो जानते हैं कि ये एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है दोस्तों, जिससे जो है जू चिचड़ किल्ली मक्खी मच्छर वगैरह जो है दोस्तों इससे जो है दूर रहते हैं और साथ में मर भी जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हमें डालना है लगभग 30 ग्राम कपूर डालना है। कपूर यहाँ पर देसी इस्तेमाल करना है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये देसी कपूर है दोस्तों, और इसे तोड़ने पर इसमें दाने दाने रहते हैं जिससे इसकी पहचान है दोस्तों। और ये देसी कपूर को मैंने पीस लिया दोस्तों इस तरीके से, और इसे भी जो है हमें इस मिश्रण में डाल देना है लगभग 30 ग्राम। तो इसे दोस्तों आप किसी भी पंसारी की दुकान या किराने की दुकान पर खरीद सकते हैं, ये आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद दोस्तों इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे जिससे इसका एक अच्छा लेप तैयार हो जाएगा, और इसे जो है हम अपने पशु को लगा सकते हैं। इसे लगाने का तरीका ऐसा दोस्तों कि हमें अपने पशु के त्वचा में जो है दिन में 2 बार इसे लगाना है, जिससे जू चिचड़ किलनी वगैरह आसानी से मर जाएंगे। इसमें जो भी चीज़ इस्तेमाल किए दोस्तों सभी आयुर्वेदिक है, इसलिए अगर इसे पशु चाट भी लेता है तो पशु को इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये थी जानकारी दोस्तों आज की वीडियो में, और ऐसी जानकारी और भी चाहते हैं हम तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।